आज बैंक भी मेरे को सपोर्ट प्रॉपर करती तो आज मेरे ऊपर ये वक्त नहीं आता। मैं जब भी कमिश्नर साहब के पास जाती हूँ तो बोलते हैं आपको हमारे पास आना चाहिए था, बैंक को हमारे पास आना चाहिए था। अभी हम लोगों को क्या पता, जब एक सामान्य आदमी बैंक के ऊपर भरोसा करता है, बैंक लीगल टेक्निकल किया मतलब बिल्डिंग। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं भाईंदर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ आंदोलन पर उपोषण पर बैठी हुई है। इन महिलाओं की अपनी कुछ समस्याएं हैं, परेशानी है। परेशानी क्या कहा जाए, इनकी जीवन भर की कमाई या यूँ कहे कि कमाए जाने के पहले का बोझ इनके ऊपर है। बैंक का कर्ज है, इनकी अपनी कुछ आजीविका बचा कर बनाया गया एक छोटा सा फ्लैट है, उस फ्लैट को लेकर क्या कुछ विवाद है हम जानते हैं इनसे ही। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका नाम? काजल परेश नाइक। आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है बताइए। एक्चुअली मेरा नाम काजल परेश नाइक है और मैं हाउस ऑफ बी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 2014 में फ्लैट लिया था मैंने। और फ्लैट पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ मैंने घर लिया है। बैंक ने मुझे 28 लाख का लोन दिया है, IDBI बैंक का मेरा लोन है। और प्रॉब्लम ऐसा है कि कुछ ही समय बाद मुझे पता चल जाता है कि बिल्डिंग के पेपर्स यानी बिल्डिंग इलीगल है। तो हमें पता नहीं था कि बिल्डिंग इलीगल है करके, तो मैं फिर सब जगह इंक्वायरी किया तो किसी ने मेरे को बोला एक काम करो RTI डाल के आप चेक कर लो। तो हम लोग ने RTI डाला। RTI डालने के बाद हमें जो पेपर्स आए वो पेपर्स की पे बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग का CC पास था और हमारी बिल्डिंग का जो CC है, ब्लूप्रिंट है, वो पूरा नकली था, पूरा फर्जी बनाया हुआ था और उसके ऊपर MBMC का स्टैम्प था। तो फिर हम लोग को यानी हम लोग फिर MBMC में गए, वहाँ पे बोले आपके पेपर ही नहीं है करके। बाद में फिर कुछ लोगों ने हमें बोला कि आप कन्विंस करो करके। ये बिल्डिंग कब बनी? ये बिल्डिंग 2005-06 में बनी है। 2005 आपने मकान लिया 2014 में, बराबर यानी कि 9 साल के पीरियड तक वो बिल्डिंग खड़ी है, उसमें हाँ। लोग एग्जिस्टिंग रह रहे हैं। हाँ ठीक है, 9 साल बाद में और बैंक का लोन भी हो रहा है, बराबर। उसके बाद में 2014 के बाद में आपको मालूम पड़ता है और आप इसकी डिटेल निकालते हैं, तब ये कहा जाता है कि बिल्डिंग का प्लान पूरा जो है फॉर्ज है। नहीं, 2012 में इसका डिमोलिश का ऑर्डर आया था, तभी जो पहले ओनर्स थे उन्होंने 2012 में मेरे बिल्डिंग का सेक्रेटरी मनीष भाटकर करके, वो जिसका मैंने फ्लैट खरीदा है वो खुद बिल्डिंग का सेक्रेटरी था और वो स्टे लेने के लिए उधर गया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसने स्टे लिया था। मैं एक हैंडीकैप्ड लेडी हूँ और मैंने उस मनीष भाटकर को बोला था कि भैया मैं ये फ्लैट ले रही हूँ, इस फ्लैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ नहीं है ना। उसने मुझे बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, इस तरीके से वो हम लोग ने। तो आपका कहने का मतलब जिन्होंने आपको फ्लैट बेचा उन्होंने उनको मालूम होते हुए भी आपको अंधेरे? हाँ हाँ, जिन्होंने फ्लैट बेचा उनको ही नहीं, बैंक को भी अंधेरे में, बैंक को भी अंधेरे में रखा। सेक्रेटरी था, उनका ड्यूटी था बैंक का, कहीं ना कहीं उनको फोन गया रहेगा। हाँ हाँ, तो बैंक को भी उन्होंने अंधेरे में रखा और इस तरीके से वो फ्लैट हमें बेचा गया। उसके बाद फिर हम लोग बहुत इंक्वायरी करने के बाद किसी ने कहा कि आप डीम कन्वेंस के लिए जाओ करके, तभी हम डीम कन्वेंस के लिए गए। तभी हमारे जो कंपाउंड में दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के लीगल पेपर्स हैं और हमारी फोर्स पेपर्स हैं, तो वो बिल्डिंग जो लीगल बिल्डिंग है वो हमारे हिस्से का भी कन्वेंस अपने नाम पे करने वो लोग उधर गए थे। तभी फिर मैंने उधर अपने DDR उड़ान साहब थे उनके पास मैं मेरा प्रस्ताव रखा, मैंने कन्वेंस का फाइल रखा। तभी उधर एडवोकेट सतनाम सिंह थे, सतनाम सिंह जी को बुलाया गया। सतनाम सिंह को पूछा उड़ान साहब ने कि ये बात सच है क्या? तभी सतनाम सिंह बोले मुझे पता ही नहीं है। मैंने सतनाम सिंह सर को पूछा भी, सर आप कन्वेंस करने गए हो, आपके पास सब चीज़ है, आपको कुछ पता नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ पता नहीं। तभी फिर उड़ान साहब ने मुझे उनको बोला कि दोनों बिल्डिंग का कन्वेंस एक साथ होगा और दोनों वो सेक्रेटरी चेयरमैन को आप बुला लो। तभी नेक्स्ट ईयरिंग में सेक्रेटरी चेयरमैन उधर आए और उन्होंने बोला कि हमारी बिल्डिंग इलीगल है, हमारी बिल्डिंग का 2012 में डिमोलिश का नोटिस निकला है, तो हम लोग इनके साथ कन्वेंस नहीं करना चाहते हैं। तभी उड़ान साहब ने दोनों का उनका कन्वेंस रिजेक्ट कर दिया।
आपने अभी चर्चा में जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे आपने बताया कि जो सामने वाले जो दूसरी बिल्डिंग है हाँ उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी वो एमबीएमसी में वो कौन है मिस्टर ये गजानन भोसले करके एमबीएमसी में क्लर्क है क्लर्क अच्छा दूसरी चीज जब आपको कन्विंस की बात आ रही है तो उनका जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो प्लान पे कितना दिखाया गया है और अभी कितना है प्लान पे उनका एग्जिस्टिंग एरिया कुछ 1370 है और उसमें से 115 स्क्वायर मीटर पे हमारी बिल्डिंग खड़ी है जो उनका आरजी है बिल्डर ने क्या किया है उनकी बिल्डिंग का थोड़ा खसका कि हमारी बिल्डिंग बनाई है उधर और हमारी बिल्डिंग का 25% पार्ट 77 में है और 75% पार्ट 215 में जो कि बिल्डर की ही जगह है आपने बिल्डर के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जब भी हम लोग ने देखा कि बिल्डर विजय आनंद पाटिल हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और वो बोल रहे थे बिल्डिंग मेरे बाप ने बनाई है मैंने नहीं बनाई है तभी फिर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था तभी हम लोग ने एडवोकेट इमरान शेख करके है मीरा रोड में हम लोग ने उनसे जाके सलाह मशवरा किया तभी उन्होंने कहा कि आपके पेपर जो है सारे जेरोक्स हैं आप अगर इसके ऊपर बिल्डर के ऊपर गुनाह दाखिल करने जाओगे तो उल्टा आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा बिल्डर बोल सकता है कि ये पेपर ही इन्होंने बनाए हैं मैंने तो कुछ किया नहीं तो आपके पास कोई ओरिजिनल प्रूफ चाहिए तभी आप उनको ये कर सकते हो तो आप ओरिजिनल प्रूफ ढूंढो तभी फिर मैंने सोसाइटी वालों से बात किया फिर हम लोग ने सारे पेपर्स ढूंढे उसमें एक सोसाइटी बायलॉज मिला जिसमें बिल्डर के ओरिजिनल सिग्नेचर्स थे वो सोसाइटी बायलॉज को मैंने सोसाइटी रजिस्ट्रार में लेटर दिया कि ये सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो जो पेपर सबमिट किए हैं वो पेपर मुझे सत्यप्रत करके मिल जाए तो वो 128 पेपर मुझे जब भी मिले तभी उसमें बिल्डर ने मेरे हमारे पेपर्स में ओसी लगाई है सीसी लगाई है ब्लूप्रिंट लगाई है वो ओसी ब्लूप्रिंट सीसी हम लोग ने पूरा महानगर पालिका में वापस आरटीआई डाला तभी हम लोग को पता चला कि हमारी सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि जो ओसी है वो हंसा एक ही है हंसा एक ही और वो ओसी भी डुप्लीकेट फोर्ज है ऐसी ओसी बनी ही नहीं है एमबीएमसी में ऐसा हमें आरटीआई से वो पत्र मिला तभी फिर हम लोग ने बिल्डर के खिलाफ फिर हम लोग ने एफआईआर गुना दाखिल किया कि ये अभी हमारे पास थ्रू कॉपीज है सत्यप्रत है जो सरकारी इससे ही कार्यालय से ही हमें मिले हैं और इसके बेसिस पे हम लोग ने बिल्डर के ऊपर गुना दाखिल करके उनको 90 दिन वो जेल में थे लेकिन फिर भी 90 दिन फिर भी हम लोग ने पूरा कोशिश किया उनको ये करने का कि उनकी बेल रोकी जाए उनका कुछ या उसमें भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए हम लोग थोड़ा सा किधर जाने के बाद यानी हमारे वकीलों ने भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया है बिल्डर को मेडिकल बेल मिल गया अभी आपकी क्या मांग है और आप जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग उनके अपने खुद के वहाँ पे मकान हैं हम सबके खुद के घर हैं इनका फ्लैट नंबर 303 है इन्होंने कब मकान लिया था इन्होंने 2017 में लिया है और इनके जो फ्लैट ओनर है रमेश भाई कावा ये पूरी तरह जानते थे कि बिल्डिंग इलीगल है मैंने उनको बोला था कि मैंने जब भी 2014 में फ्लैट लिया था तभी मैंने बोला था कि जबकि मैं अपाहिज हूँ मैं भी किसी को फंसा के जा सकती थी लेकिन मैंने बोला नहीं किधर तो कोई क्ल्यू होगा जिससे हमें न्याय सरकार देगा तो कोई फ्लैट मत बेचो लेकिन कुछ मेंबर्स ने जबरदस्ती फ्लैट बेच के चले गए महानगर पालिका का क्या स्टैंड है एमबीएमसी आपको क्या स्टैंड महानगर पालिका 2019 में मैंने जब आमरण उपोषण किया था तभी वहाँ पे आयुक्त श्री बालाजी खतगांवकर साहब थे उनको मैंने जब सारा स्टोरी बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है तभी बालाजी खतगांवकर साहब ने बोला कि हम आपकी पूरी तरह सहायता करेंगे बिल्डर को मीटिंग लगाएंगे एमबीएमसी के मिनट और यानी एमबीएमसी का लेटर जाने के बाद हम लोग को मीटिंग में बुलाया गया वो लेटर पे कि वास्तु विशारद सोसाइटी सदस्य और विकासक और नगर रचना ये तीनों चारों जन को हम लोग को बुलाया गया एमबीएमसी आयुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस में हमारी मीटिंग हो गई वहाँ पे आयुक्त साहब ने विजय पाटिल साहब से पूछा कि क्या आपने ये ऐसा किया है विजय पाटिल साहब ने उधर एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो रेगुलराइज और कन्वेंस दोनों देने के लिए तैयार हो गए 2019 में
लेकिन आज तक विजय पाटिल साहब ने हम लोग को कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने जब भी हम लोग फॉलोअप करने गए एमबीएमसी में, तो उधर बोला कि जो बाजू की जगह है वो मेरी फैमिली की है, तो उसके पास से मेरे को वो 7-12 मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, वो जगह का हिस्सा मेरे को उनसे लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं दूंगा। और उसके लिए उन्होंने मेरे से मिलिन आवड़े साहब जो है नगर रचना के अधिकारी, उन्होंने बोला मैडम ऐसा रेगुलराइजेशन एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है, ये कंप्लीट 3 से 6 महीने का प्रोसेस है, आप इतना घाई करके घोड़े पे मत बैठो, पूरा काम ठीक से होने दो, अभी एमबीएमसी ने आपको लिख के दिया है तो वो पूरा काम हमें प्रॉपर करने दो। 1 महीना गया 2 महीना गया 3 महीना गया विजय पाटिल साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कभी बोलते हैं कार्यालय में प्रॉब्लम है, कभी बोलते ये है वो है, ऐसा रीजन देते गए थे। 25 अगस्त 2019 को मेरे को वापस एक लेटर मिला कि कन्वेंस से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, आप प्रस्ताव दाखिल करो, हम प्रस्ताव रेगुलराइज करने के लिए तैयार हैं, और बिल्डर अगर बिल्डर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बिल्डर के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं, और आपके 260 का जो ऑर्डर है उसको हम स्थगित देते हैं। अभी आपके कितना साल का लोन पेंडिंग है, कितना साल का ईएमआई बाकी? हमारा अभी मैंने 2014 में लोन लिया है, मेरा पूरा 20 साल का लोन था, अभी 7 साल पूरे हो गए और 13 साल मुझे कर्जा भरना है, और बैंक तो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जैसा बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया है हम लोग बैंक के साथ धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। ये बात यह है कि बैंक की भी उसमें गलती है, बैंक अगर लीगल टेक्निकल प्रॉपर करती तो हम लोग को ये आज हम लोग आज चौथी बार उपोषण में बैठ रहे हैं वो हम लोग के ऊपर वक्त नहीं आता। तो बैंक जैसे मीरा भाईंदर प्रशासन जवाबदार है इस चीज़ के लिए, विजय पाटिल जवाबदार है, वैसे बैंक भी जवाबदार है। आज बैंक ने 28 लाख रुपया लोन दिया है, उनको देखना चाहिए था वो किस तरीके से पेपर देख रहे हैं। आज अगर वो पेपर देखते तो आज मैं ये घर नहीं लेती, और मेरे को ये आज मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं नौकरी धंधा मेरा छूट गया ये बिल्डिंग के पीछे आज 5 साल लड़ लड़ के। आज बैंक भी मेरे को सपोर्ट प्रॉपर करती तो आज मेरे ऊपर ये वक्त नहीं आता। मैं जब भी कमिश्नर साहब के पास जाती हूँ तो बोलते हैं आपको हमारे पास आना चाहिए था, बैंक को हमारे पास आना चाहिए था। अभी हम लोगों को क्या पता, जब एक सामान्य आदमी बैंक के ऊपर भरोसा करता है, बैंक लीगल टेक्निकल किया मतलब बिल्डिंग ओके है। जो महानगर पालिका ने डिमोलिशन का ऑर्डर निकाला था उस पर महानगर पालिका का क्या स्टैंड है, वो डिमोलिशन करने वाली है कि उसमें आपको अभी टेनेंसी राइट दिया गया है और उसको भी वैकेट किया गया है? नहीं, महानगर पालिका ने 260 का जो ऑर्डर मेरे को लेटर दिया था स्थगिति देते हैं करके, वो 25 अगस्त 2020 को दिया था। उसके बाद अभी मैं माननीय जज साहब से भी कहना चाहती हूँ कि हमारा स्टे 18 मार्च 2021 में रिवोक हुआ, जबकि कोरोना पीरियड था, उस पीरियड में मेरा स्टे रिवोक कैसे हुआ, जबकि तभी मुभा दी गई थी सरकार को, तो उस वक्त मेरा स्टे रिवोक हो गया है। और अभी विजय पाटिल साहब से जो हमारी कन्वेंस का बात चालू था, रोज उनके वकील से बात हो रही है, सब कुछ बात हो रही है, लेकिन कोई अंजाम तक नहीं पहुंचे। तभी फिर हम लोग ने गुस्से में आकर उनको धमकी दिया कि अभी हम लोग उपोषण में बैठ रहे हैं, तभी उनका वकील एडवोकेट राजदेव पाल मेरी ये मैडम को बोल रहा है कि मैडम को बोल देना 3 बार उपोषण में बैठी हो, क्या उखाड़ा आपने अभी। जब आप आज उपोषण में बैठे तो कितना दिन हो गया? हम लोग आज 9 दिन हुए हैं उपोषण में बैठ के। कहाँ तक आपका उपोषण जाने वाला है? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि हम लोग ने मेहनत करके कर लिया। आपसे मिलने कौन कौन अधिकारी यहाँ पर आया? 9 दिन में हम लोग से मिलने कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है, ना हमारा कोई डॉक्टर आया है, ना हम लोग ने रिक्वेस्ट की है पुलिस कमिश्नर साहब को कि हमें यहाँ पे बिल्डर के लोग इधर घूम रहे हैं, हम औरतें बैठी हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने ईमेल पे ईमेल भेज रही हूँ, मैं सब जगह ईमेल भेज रही हूँ कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दो, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दो, ना हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है। सर आप यहाँ उपोषण स्थल पर आए, क्या विषय बताइए? हम अभी 9 दिन से देख रहे हैं कि हमारे काजल नायक जी कम से कम 9 दिन से इधर उपोषण पर बैठे हैं, तो एक महिला होने के नाते मैं इनको धन्यवाद देता हूँ
इन्होंने एक इस शहर के लिए अच्छा कदम उठाया है और एक जो हमारे 15 बारों थे जबकि ऑलरेडी ये बिल्डिंग बिल्डर ने बना के दी है, जो बिल्डर है उसने जो भी गुना किया वो बिल्डर ने किया है, तो कहने का मतलब जो बिल्डर ने गुना किया है तो बिल्डर के ऊपर जो भी सजा होनी चाहिए उसको होनी चाहिए, जो भी खर्चा उसको भी कह रहे कि आपको अधिकृत करना है तो 60 लाख का खर्चा है तो बिल्डर देवे, उसके अलावा जो अधिकारी उसमें लाभ लिया हुए जिस टाइम में बिल्डिंग बनी उसमें नगर रचना भी थी, पानी विभाग भी था, टैक्स विभाग भी था और जो प्रॉपर्टी को पासिंग करते हैं उसके बाद में वो प्रॉपर्टी पासिंग होने के बाद में बिल्डिंग बनती है और एक एक चीज उसमें फाइनल होती जाती है। तब जब पूरी बिल्डिंग बनी है, पानी विभाग ने पानी दिया है और बांधकाम विभाग ने बांधकाम हुआ है, टैक्स विभाग ने टैक्स डाला है और हर चीज को सीरीज वाइज मिल रही है, यहाँ तक कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, हाउसिंग सोसाइटी है और उसके बाद में कंप्लीट इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और स्टैंप ड्यूटी भरा है। जब गवर्नमेंट ने अपना पैसा ले लिया है तो फिर अधिकृत अनधिकृत किस बात की, या तो गवर्नमेंट को उसको पैसा नहीं लेना चाहिए था। जिस टाइम में आपने पैसा लिया, मैं आपसे पैसा लेता हूं तो मैं पूछता हूं कि किस बात के पैसे, बोलता साहब ये आपके टीवी के पैसे, तो मैं टीवी के पैसे में खाते में जमा करूंगा ना, तो उन्होंने किस बात के पैसे दिए? आज दिन तक उन्होंने जो टैक्स के पैसे दिए, जब वो अनधिकृत थी तो टैक्स के पैसे नहीं लेने चाहिए। नहीं, लेकिन इनका जो विवाद है वो रेगुलराइज करने से ज्यादा दूसरा विवाद है कन्विंस का, तो कन्विंस में दूसरा जो पक्ष है, दूसरी जो बिल्डिंग है उनके लोगों को भी नुकसान हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर देखिए दूसरी बिल्डिंग जो है, जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में से अमुक भाग जो है वो बिल्डिंग का भी हक लगता है और वो कन्विंस के अंदर थोड़ा सा मतलब जो बिल्डर को तकलीफ हो रही है, तो बिल्डर चाहे इनको डिवाइडेशन दे के सही तरीके से कन्विंस करा के इनका रास्ता कॉमन करके वो अपने हिसाब से वो कन्विंस करके दे सकता है, जगह है उसकी और उसके नाम से है, तो उसको हर तरह से दोनों पार्टी को ए और बी विंग को मतलब एक ए विंग को वो अगर जो समझते हैं कि भाई ये विंग मेरी है तो बी विंग भी आपकी है, जैसे ए विंग से पैसा लिया बी विंग से भी लिया है, तो दोनों विंग को बिठाकर उनको दोनों को झगड़ा उनको निपटना चाहिए। हम बात कर रहे थे इन उपोषणकर्ता महिलाओं से और जैसा कि आपको मैं बता दूं, कई सालों की बात को चंद मिनटों में नहीं कहा जा सकता, ये चंद मिनटों की जो बात है वो एक सारांश मात्र है, लेकिन कितनी बड़ी तकलीफ होगी, कितनी बड़ी परेशानियां इन परिवारों को, सिर्फ इन 4 महिलाओं या 14 महिलाओं को नहीं, यहाँ 15-20 ऐसे परिवार है, धारा 144 लागू है इसके लिए 4 जन यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी इन्होंने भी बताया, कई ऐसे परिवार है जिनके सामने ये तलवार लटकी हुई है कि हम जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ महानगर पालिका जब इस तरह से अवैध विकास होते हैं तब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कुछ आर्थिक व्यवहार तो रहता ही है, तब इसलिए उस पर लक्ष्य नहीं दिया जाता, तब कार्यवाही नहीं हो की जाती है और बाद में जब इस तरह से आम जनता जो कि वहाँ पूरी तरह से लूट का शिकार होती है, बैंक ने लोन दिया इससे बढ़कर चीज़ क्या होगी, बैंक कब किसी को लोन देगा कि जब हर चीज़ क्लियर होगी, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी नतीजा 15 साल बाद में अगर ये आता है तो हमारे देश का सिस्टम, देश का कानून कहाँ है वो आप तय कीजिए। आज के लिए इतना ही, भाईंदर से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।